अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एग्रीकोज यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान और काश्तकार भाइयों से गुजारिश है कि ये चैनल एग्रीकोज यानी एग्री इकोनॉमिक्स किसान लोग, ये ज़राअत के हवाले से इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाया गया है। इसमें फसलों की बिजाई, कटाई, ज़राई अद्वियात का दुरुस्त इस्तेमाल, खादों का दुरुस्त इस्तेमाल और ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन यानी कि घंटी के निशान पर क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो फौरी आपको मिल सके। वेलकम टू एग्रीकोज यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो है गवर्नमेंट की उस नई ऑफर के बारे में जो कि किसान भाइयों के लिए पेश की गई है। जैसा कि आप लोग ये स्क्रीन में भी पंफलेट देख सकते हैं, गवर्नमेंट के इस मंसूबे के तहत काश्तकार भाइयों को 60% सब्सिडी पर ज़रई मशीनरी और ज़रई आलात फ्राहम किए जाएंगे। इसके लिए आप लोगों को दरख्वास्तें जमा करवानी होंगी। दरख्वास्त जमा करवाने का मुकम्मल तरीकाकार, उसके साथ क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख और कितना रकबा दरकार है, सो रकबा दरकार है और कौन सी मशीनरी फ्राहम की जाएगी, ये मुकम्मल मालूमात जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मशीनी काश्त के हुकूमत पंजाब की तरफ से काश्तकारों को जो मशीनें फराहम की जाएंगी जिनके ऊपर 60% सब्सिडी दी जाएगी, उनके बारे में ये है कि ऐसी मशीनें दी जाएंगी जिनकी मालियत 5 लाख तक होगी। दूसरा ये है कि आपके पास किसान कार्ड होना ज़रूरी है, इसके ऊपर सब्सिडी मिलेगी। उसके बाद आपके पास कम से कम 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर होना चाहिए। अगर आपका तलग नहरी इलाके से है तो 25 एकड़ रकबा हो, अगर बरानी इलाके से तलग रखते हैं तो 50 एकड़ रकबा होना ज़रूरी है। इसके तहत ये है, अगर आपको अलाटमेंट हो जाती है तो आपने अपनी मशीनरी जो है दूसरे किसानों को किराए पर लाजमी देनी है। दूसरा ये है कि 4 साल के अंदर आप किसी को ये फरोख्त भी नहीं कर सकते और आपको इसकी देखभाल के लिए जो महकमा की तरफ से ट्रेनिंग का वक्त दिया जाएगा आपने वो ट्रेनिंग भी लाजमी लेनी है। आइए अब चलते हैं इस फार्म की तरफ। जो दरख्वास्त फार्म आपने जमा करवाना है उसके साथ क्या लगना है और उसमें क्या मालूमात आपको दर्ज करनी होगी। आपके नाम, बल्दियत, ज़िला, रकबा जो लाजमी होगा। उसके बाद आपने किसान कार्ड नंबर वो भी दर्ज करना है। उसके साथ जो फार्म के साथ जो डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं उसमें फ़र्द मलकियत की कॉपी, ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन की कॉपी या ट्रांसफ़र लेटर जो होगा उसकी कॉपी, अपने शिनाख्ती कार्ड की कॉपी और 100 रुपये का स्टाम्प पेपर होगा जिस पे वो शरायत जो हमने पहले बताई हैं या फिर बताएंगे आगे वो दर्ज होंगी। इसके अलावा ये है कि उसमें ये भी दर्ज होगा कि आपने कोई गलत बयानी नहीं की है। अगर आप गलत बयानी करेंगे तो आपको तमाम रकम जो है वो एक दफ़ा ही जमा करवानी पड़ेगी। अब देखते हैं कि वो कौन सी मशीनें हैं जिन पर हुकूमत की तरफ से सब्सिडी देकर किसानों को फराहम की जाएगी। उनकी लिस्ट में कुल 54 मशीनरियाँ हैं जिनमें कुछ ट्रैक्टर से चलने वाली हैं और कुछ खुदकार हैं। इनमें से जो कुछ हैं, चांद एक का जिक्र करते हैं जिसमें डिस्क प्लो है, चीजर प्लो है, आलू का प्लांटर है, रूटावेटर है, डिस्कें हैं, काटन से मुतलका है, काटन से मुतलका काटन की मशीनें हैं, वीट ड्रिल है, शुगर केन प्लांटर है, मेज़ प्लांटर है, मेज़ शेल्डर है, आलू का प्लांटर है, लहसुन लगाने का प्लांटर है, गाजर धोने वाली मशीन है, मूंगफली लगाने वाली मशीन है, यानी ये वो मशीनें हैं जो उसमें शामिल होंगी। उसके अलावा जो खुदकार मशीनें हैं उनमें राइस के लिए है, जैतून के लिए है और चारा कटर है, ये तमाम मशीनें जो हैं उसके अंदर स्कीम के अंदर मौजूद हैं, ये आप सब्सिडी पर हासिल कर सकते हैं। बयान अल्फी जो है, बयान अल्फी में जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो वही शराय जो पहले हो चुकी हैं जो आपको बताई हैं कि आपने नहरी इलाकों में 25 एकड़ ज़मीन हो, बरानी इलाकों में आपके पास 50 एकड़ ज़मीन हो, 4 साल तक आप किराए पर देने के बंद होंगे,
किसी दूसरे मरकज़ से आपने स्कीम के तहत दरख्वास्त ना दी हो, 4 साल के अंदर आप फरोख्त नहीं कर सकते। इसके अलावा ये है कि अगर वो मशीनरी आपके नाम अलाट हो जाती है तो आप 10 दिन के अंदर महकमा की मंजूर शुदा जो कंपनी हैं उनसे बुक करवाने के पाबंद होंगे। और अगर खुदा न खास आप इंतकाल कर जाएं तो आपने अपना वारस भी मुंतखब करके जाना है कि जो इस मामले को बाद में हैंडल करेगा। ज़रिए मशीनरी के हसूल के साथ साथ आपको इन मशीनों के लिए महकमा की तरफ से ट्रेनिंग भी दी जाएगी और आपने जो अपने ज़िला के असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग लैंड डिपार्टमेंट से दरख्वास्त फार्म हासिल करके 12 नवंबर 2021 से पहले जमा करवाना है, या फिर आप फार्म डाउनलोड कर सकते हैं फील्ड एग्री पंजाब .gov.pk से भी। शुक्रिया।